बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं हारून रशीद। आज हम डिजी स्किल्स SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्विज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं टास्क में आऊँगा, क्विजेज और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्विज नंबर 4 ओपन डेट 9 जनवरी 2023 और ड्यू डेट 15 जनवरी 2023। टेक क्विज, स्टार्ट क्विज, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आपने इससे पहले इनको नहीं पढ़ा इंस्ट्रक्शंस को, तो काइंडली इनको पढ़ लीजिए। मैं इस क्विज को सॉल्व करता हूँ, मुमकिन है कि मेरा कोई जवाब गलत हो। आपने अपने मुताबिक इसको हल करना है, जो आपको बेहतर लगे आपने वो सिलेक्ट करना है, कि हो सकता है कि मैं कोई रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ। स्टार्ट क्विज, मैंने ये हिदायात सारी पहले पढ़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा ये 4th क्विज है, तो मैं इसलिए स्टार्ट क्विज पे करता हूँ। स्टार्ट क्विज के बाद क्वेश्चन नंबर 1, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल रीजन्स एंड साइट अराउंड द वर्ल्ड। प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल रीजन्स एंड साइट अराउंड द वर्ल्ड। मेरे मुताबिक फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है, यही होगा गूगल मैप्स। सेकंड है गूगल एड्स, गूगल ड्राइव, गूगल मेल। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है गूगल मैप्स, मैंने यही सिलेक्ट किया है। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इज़ गूगल्स ऑफिशियल वेब मास्टर्स प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन विद द वेबसाइट ओनर्स अबाउट देयर वेबसाइट्स। फर्स्ट है गूगल सर्च कंसोल्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एनालिटिक्स, योर्स SEO। मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है गूगल कीवर्ड प्लानर। इज़ गूगल्स ऑफिशियल वेब मास्टर्स प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन विद द वेबसाइट ओनर्स अबाउट देयर वेबसाइट। थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया गूगल एनालिटिक्स। सेव एंड नेक्स्ट। लिस्निंग ऑप्टिमाइजेशन एड लोकेशन एंड लोकल कंटेंट आर द सिग्नल टू प्रोवाइड खाली जगह रिजल्ट्स। लिस्निंग ऑप्टिमाइजेशन एड लोकेशन एंड लोकल कंटेंट आर द सिग्नल टू प्रोवाइड रिजल्ट्स। इंटरनेशनल, लोकल,
क्वेश्चन नंबर फोर, द गूगल ट्रेंड्स टूल कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कीवर्ड प्रोवाइड हैंड्स फॉर द ट्रेंडिंग सर्च गेट एग्जैक्ट मैच सर्च फॉर द कीवर्ड मोनिटर कंपिटिशनर्स टू फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स. द गूगल ट्रेंड्स टूल कैन बी यूज टू. मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, गेट एग्जैक्ट मैच सर्च फॉर द कीवर्ड्स. फर्स्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द बेस्ट कीवर्ड्स. एसईओ टूल मेक द एसईओ प्रोसेस वर्स इजियर डिफिकल्ट रैंडम. इजियर. वर्स इजियर डिफिकल्ट रैंडम. वर्स तो नहीं हो सकता, इजियर मुमकिन है, डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता. रैंडम, रैंडम और इजियर में से हमने कोई दो सेलेक्ट करना है, मुझे इसमें बेहतर इजियर ही लगा है. रैंडम भी हो सकता है, मुमकिन है रैंडम हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इजियर. क्वेश्चन नंबर सिक्स, When working on a SEO project for a client, it is important to keep communication with the client regularly. Just focus on the work and avoid any communication. Not let client ask you questions. Only care about how much the client is paying. इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही बेहतर है, नॉट ओनली केयर हाउ मच क्लाइंट इज़ पेइंग. ये भी दुरुस्त नहीं है, फर्स्ट ही सबसे बेहतर है. कीप कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट रेगुलरली. एडवांस सर्च ऑपरेशन हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सर्च इंजन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मिक्स्ड इंफॉर्मेशन नोन ऑफ दिस. एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सर्च इंजन एब्सोल्यूट एग्जैक्ट एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट में से करीब करीब कोई एक, ये दोनों करीब करीब के इन दोनों में से कोई एक ही होगा. अब हम इन दोनों में हमने फोकस करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा. एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, मैंने दोनों में से एक को सेलेक्ट किया है. सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एट, गूगल मेजर्स पेज रैंक ऑफ ए पेज फ्रॉम Google measures page rank of a page from 0 to 20, 0 to 100, 0 to. मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है. मैं इसका तुक्के पे कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने देख लेना है, मुझे इसका नहीं पता. A web page should have one primary keyword and related खाली जगह keywords.
वेब पेज शुड हैव वन प्राइमरी कीवर्ड एंड रिलेटेड सेकेंडरी लॉन्ग टेल अनसर्टेन इन ऑर्गेनिक सेकेंडरी लॉन्ग टेल और सेकेंडरी में से दोनों में से एक को देखें। ये वेब पेज शुड हैव वन प्राइमरी कीवर्ड एंड रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड। मैंने यहाँ पे सेकेंडरी को फाइनल किया। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल रिकमेंड्स अस टू क्रिएट वेबसाइट पेज प्राइमरली फॉर द अदर बिजनेसेस एंड यूजर्स वेंडर्स सर्च इंजन्स। गूगल रिकमेंड्स अस टू क्रिएट वेबसाइट पेज प्राइमरली फॉर मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मेरा ये क्विज पूरा हो चुका है। योर क्विज हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसके बाद हम रिज़ल्ट को देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। इसमें से मेरे बहुत ही कम नंबर आए, 5। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नंबर तो मेरे काफ़ी ज़्यादा इसमें कम आए हैं क्योंकि मेरी इसमें ज़रा तैयारी कम थी। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ रहेंगे क्योंकि ये हमारा डिजी स्किल्स का ये कोर्स तो पूरा होने वाला है। जो मेरे साथ और भी साथी इसमें कोर्स कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आएं। डिजी स्किल्स पर जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आएं और इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करें। आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मज़ीद वीडियोस लेके आता रहूंगा। मैं अपने तजर्बात से आपको आप तक पहुंचाऊंगा और आप भी नीचे आके कमेंट करें ताकि मैं भी आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूं और आपके तजर्बे से मुस्तफीद हो सकूं। तो आइए हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं और इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे। जैसे हमने साथ मिलके ये कोर्स किया है तो ऐसे ही इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल फील्ड में भी एक दूसरे का साथ देंगे। तो आइए हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।